हेलो गाइस, मैं हूँ बीप्सा और अब की बार मैंने जो वीडियो बनाया है वो ब्राइडल स्किन केयर रिलेटेड वीडियो है। हर लड़की की एक ना एक दिन शादी होती है और इस खास मौके पर हम सबसे ज़्यादा सुंदर दिखना चाहते हैं। शादी के कम से कम 3 महीने पहले से हमें अपनी स्किन केयर रूटीन को स्टार्ट कर देना चाहिए। आज मैं आप सबके साथ में एक ब्राइडल उपटन शेयर करने जा रही हूँ। मेरी शादी को तो 10 साल हो गए पर आज भी इस उपटन की वजह से ही मेरी स्किन में वही ग्लो है जो मेरे 20s में हुआ करता था। इवन कोई ये कह नहीं सकता दैट मेरी शादी को इतना टाइम हो गया, या फिर लोग आज भी मुझे मेरी स्किन केयर रूटीन पूछते हैं या फिर मेरी स्किन के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। इस उपटन को मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसको वीकली यूज़ करने से ही आपको झाइयाँ, सन टैन, पिंपल्स या फिर आपको स्किन पे स्पॉट्स हैं या फिर अनवांटेड हेयर से वो सब रिमूव हो जाते हैं। आपकी स्किन एकदम इवन टोन दिखने लगती है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बेसन लिया है, मुल्तानी मिट्टी मैंने 1 चम्मच ली है, चोकर 1 चम्मच है, ऑरेंज पील 1 चम्मच है और पिंच ऑफ टर्मरिक लिया है मैंने, 1 लेमन है। और इन सबको मैंने रोज़ वाटर में मिक्स करके और सेमी लिक्विड सा पेस्ट बनाया यहाँ पे। और इसको अब फेस वॉश करने के बाद आप फेस पे मास्क की तरह, पैक की तरह लगा सकते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट इसे लगा रहने दें। और इसमें मुल्तानी मिट्टी डाली है मैंने, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो होती है इसके जितने फ़ायदे मैं आपको बताऊं उतने मुझे कम लगते हैं। मुल्तानी मिट्टी यूज़ करती हूँ। आपको किसी भी तरह का सन टैन हो, स्किन आपकी धूप की वजह से काली हो गई है, इससे बढ़कर कुछ बना ही नहीं है। इवन मेरी बेटी जब स्कूल से वापस घर आती है तो मैं हमेशा उसको ये मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाती हूँ, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता स्किन पे। और छोटे बच्चे से लेके किसी भी एज के लोग जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। और इसमें वो सारे मिनरल्स हैं जो हमारी स्किन को ब्राइट करते हैं। मुझे मुल्तानी मिट्टी से बढ़कर स्किन केयर में कुछ लगता ही नहीं है। बॉयज़ को भी इसे डेली यूज़ करना चाहिए, इससे स्किन क्लियर होती है और इवन टोन होती है। इसके बाद मैंने इसमें बेसन, लेमन, रोज़ वाटर और चोकर ऐड किया है। ये सब स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए यूज़ किए गए हैं मैंने यहाँ पे, जो आपकी स्किन की जो जितनी भी डेड लेयर्स आपकी स्किन पे हैं वो सब इससे निकल जाती हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। इसे फेस वॉश करने के बाद आप फेस पे मास्क की तरह या पैक की तरह इसको लगा सकते हैं। कम से कम इसको 15 से 20 मिनट इसे लगा रहने दे। और उसके बाद में जब ये अपने आप निकलने लग जाए या फिर आपको सूखा लगने लगे तो आप इसको लूक वार्म वाटर या फिर जैसा भी आपको सूटेबल लगे उस पानी से आप इसको साफ़ कर दीजिए, निकाल लीजिए। और फेस वॉश करने के बाद में आपको कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है जो आप कर सकते हैं। अगर हमें शादी के दिन सबसे अलग दिखना है तो फेस के साथ साथ आपके हाथ पैरों की स्किन भी हेल्दी होनी चाहिए, मीन्स टैन फ्री होनी चाहिए। हमें खूब सारी शॉपिंग करनी पड़ती है जिसकी वजह से हाथ पैरों पे टैनिंग हो जाती है। और इस उपटन को आप अपनी बॉडी पे, आपको जहाँ भी टैनिंग का प्रॉब्लम है आप यूज़ कर सकते हैं। To begin, hear the words we were meant to sing. Close my eyes, I feel where we are, where we are. We can run all night till the dawn, till the dawn. We light it up like the stars. No more fear of hiding. Stay. अभी 2-3 महीने बाद में शादी सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो ब्राइडल केयर रिलेटेड कोई भी अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।